अरुण जी बता नहीं सकता कितनी खुशी हो रही है आपको देखकर। बिल्कुल, मैं आपका बहुत बड़ा मुरीद हूँ। अरे लेकिन आज आप कुछ ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं, इसकी वजह क्या है? खुशी की तो बात है अर्चना जी, शेखर जी देखो बिना चुनाव जीते आदमी सरपंच बन जाए। और बिना वकालत पढ़े जज बन जाए जी। खुशी तो होगी भाई। बिल्कुल 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 हाँ। बिल्कुल सही कहा। और हमारे यहाँ तो वैसे भी सरपंच का बहुत महत्व है जी। हाँ। जी, वो एक सरपंच को अपनी लड़की के लिए लड़का देखने जाना था। हाँ। पहुंचा लड़के वाले के पास, तो लड़के वाला बोला जी हमारा लड़का बहुत सीधा सादा है। हाँ। बोले सादा ठीक है, सीधा तो मेरी छोरी कर देगी। सही है। वो आजकल हर एक स्कूल में योग टीचर लग गए। बिल्कुल, दिल्ली में एक योग टीचर बच्चों को योग सिखा रहा था, बोले बच्चों सीधे लेट जाओ। बच्चे सीधे लेट गए, बोले अपने पैरों से साइकिल चलाओ। okay. वो सारे साइकिल चलाने लगे। हाँ जी। एक पढ़ा रहा अपने हरियाणा का मस्त, बोला तू साइकिल क्यों नहीं चला रहा? बोला मेरी साइकिल ढलान पे है। अच्छा, बचपन के बाद जब वो थोड़े बड़े होते हैं, प्रेमी प्रेमिका बनते हैं जी। तो हमारे यहाँ तो उसमें भी हास्य रसी रहता है। वो एक प्रेमी ने प्रेमिका से कहा मैं तेरे से ब्याह करना चाहता हूँ। तो लड़की बोली पुराना तरीका है, किसी नए ढंग से प्रपोज कर। वाह वाह। लड़का बोला ईसा है तू मेरे छोरे से अपनी चिता में आग लगवाना पसंद करेगी? बहुत यूनिक तरीका है। तो ये आनंद है जी, हर उम्र में आनंद है, हर संबंध हास्यरस में है। बिल्कुल बिल्कुल, नौकर और मालिक के बीच में भी हास्यरस ही रहता है। वो उसने बॉस से कहा बोले छुट्टी चाहिए। बोले छुट्टी नहीं मिल सकती, बहुत काम है। बोले बहुत जरूरी छुट्टी चाहिए। अच्छा। बोला सर एक सवाल का जवाब दे दे छुट्टी दे दूंगा। ओके। बोले सवाल कुछ भी पूछ ले। हाँ। बोला अच्छा ये बता कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? बोला हो सकता है बाहुबली ने कटप्पा को छुट्टी देने से मना कर दिया। बहुत सही, बहुत अच्छा। ऐसी एक और को छुट्टी चाहिए थी, पहुंच गया। बोले छुट्टी चाहिए। बोले किस लिए? बोले पत्नी की डिलीवरी है। अब इस पे तो कौन मना करे जी। दे दी छुट्टी। एक हफ्ते बाद आया, बोले हाँ भाई लड़का हुआ या लड़की? बोले जी ये तो 9 महीने बाद पता चलेगा। लेकिन जी नौकरी मिलना भी आसान नहीं है हमारे यहाँ। नहीं नहीं बिल्कुल, बिल्कुल। इंटरव्यू देकर आए एक उम्मीदवार से, इंटरव्यू देने जा रहे हरियाणवी उम्मीदवार ने पूछा भाई भीतर क्या पूछ रहे हैं? उसने बताया कि मुझे तो भारत का नक्शा दिखाया और पूछा दिल्ली कहाँ है। मैंने उंगली रख दी कि यहाँ है। हरियाणवी छोरे ने झट जेब में से नक्शा निकाला और अच्छी तरह रट लिया दिल्ली कहाँ है। जब वो अंदर गया तो उससे पूछा ज्योग्राफी आती है? उसने कहा हाँ। तो बताओ गंगा नदी कहाँ से निकल के कहाँ को जाती है? पहले ही सवाल ने उसके चैन में डाल दिया अड़ंगा। दिल्ली रट के आया था और पूछ ली गंगा। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, घुमा फिरा के उंगली दिल्ली पर रख दी। आए हाय। तो बोला दिल्ली के बारे में क्यों नहीं पूछता? दिल्ली के बारे में क्यों नहीं पूछता? गंगा के बारे में जान के क्या करेगा? हाँ। गंगा में क्या डूब के मरेगा? शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मिलते हैं, क्या बात है। दिल्ली सिर्फ दिल वालों की नहीं लाफ्टर वालों की भी है। अपने चटपटे कॉमेडिक अंदाज से आपको रिझाने आ रहे हैं अपूर्व गुप्ता फ्रॉम दिल्ली। वेलकम वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। मैं दिल्ली से हूँ बट मैं सहारनपुर से था पहले ना, मतलब सहारनपुर से फिर मैं आपके देहरादून के एकदम पास है ना। और हम लोगों की लाइफ में ना एक बहुत बड़ी घटना होती है जब मैं फर्स्ट टाइम 5-star होटल गया। क्योंकि मैंने देखा है 5-star में जो रिसेप्शन पे लड़की होती है ना वो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। क्योंकि जैसे ही मैं गया उसने मेरे टीका लगा दिया। ओहो, मैं कहा ये क्या हो गया इसको? फिर मेरे को माना पहना दी। मैं कहा क्या हो गया? फिर कहती है सर अपना नंबर। तो मैंने कहा रुका नहीं जा रहा, माय गॉड तुझसे रुका नहीं जा रहा है। फिर कहती है सर डू हैव एनी वोटर आईडी कार्ड और समथिंग। मैं कहा ये तो कोर्ट मैरिज पे आ रही है। नहीं मेरी बहुत जल्दी हो रहा है ये। फिर मैं चाचा जी के साथ गया तो मेरे को कहती है आप पुणे में आ जाओ। मैं कहा मैं छोटे शहर का हूँ, इतना ओपन माइंडेड नहीं हूँ, हो सकता है इसको डायरेक्ट मुद्दे की बात पे आना है। तो मैं कोने में आ गया।
फिर चाचा जी के साथ था तो चाचा जी के साथ सेम बिहेवियर कर दिए। अच्छा मैं कहा ये तो काफी वाइल्ड है। फिर मैंने कहा मैम आप मेरे को चाबी दे दो, तो मेरे को चाबी देके बोलती है आई विल शो यू। मैंने कहा नहीं बहुत जल्दी हो रही है, ये ज्यादा हो गया। तो मैं ना सामान लेके, मैं था, चाचा जी थे और एक सर्विस बॉय होता है, हम लिफ्ट में चले गए। काफी अनकंफर्टेबल मोमेंट होता है वो, क्योंकि उस एक मिनट में सर्विस बॉय को आपके साथ कॉन्वर्सेशन क्रैक करनी है, उसको पैसे चाहिए। एट दैट टाइम आपको लड़की वाली फीलिंग आती है, आपको पता है उसको क्या चाहिए। लेकिन आप इग्नोर करने की कोशिश करते हो, तो ही इज लाइक सर फर्स्ट टाइम हियर। हां फर्स्ट टाइम। पर्सनल टिप और प्रोफेशनल टिप? पर्सनल टिप। आर यू यंग? अबे नहीं देने पैसे यार, नहीं देने। तो हम रूम में गए, तो रूम में तोले की बत्तख बनी होती है, देखा आपने? हां बिल्कुल, बेड पे। हां तो तोले की बत्तख भी वहीं थी, पानी की बोतल भी वहीं थी, तो मैंने दोनों उठा के साइड में रख दी। मैंने कहा मैं पेटा का सपोर्टर हूँ, मुझे रिस्क लेना ही नहीं है। तो मैं थका हुआ था क्योंकि दिल्ली से लखनऊ गया था, जेट लैग हो गया था, टाइम डिफरेंस ज्यादा होता है ना। तो मैंने चद्दर ओढ़ने की कोशिश की। शेखर जी इतनी टाइट चद्दर बिछाते हैं, इतनी टाइट चद्दर बिछाते हैं, पहली बारी में आके ना दे। मैंने कहा 8,000 दिया, ऐसे कैसे नहीं आएगी, तेरा बाप भी आएगा। मैंने पूरी जान से खींच दी। अब ओढ़ने के साथ बिछाने वाली चद्दर भी आ गई। मैं नंगे गद्दे पे लेटा हुआ था अर्चना जी। तो हमने चाय ऑर्डर की और चाय अलग आ रही है, चाय की पत्ती अलग आ रही है, पानी अलग आ रहा है, दूध अलग आ रहा है, और शक्कर लूडो वाली शक्कर आती है वहां पे, लूडो वाली शक्कर। अर्चना जी मेरे चाचा जी बावले हो गए, कहते हैं ऐसे आती है क्या यहाँ पे? मैंने कहा हाँ 5-4 में ऐसी ही आती है, अलग अलग आती, खुद बनाना पड़ता है। कहता शुक्र है मैं अभी पकौड़े ऑर्डर करने की सोच रहा था, वो बेसन कढ़ाई लेके आ जाते। तो मैं थका हुआ था तो मैं बाथरूम में गया। अर्चना जी बाथरूम में होता है बाथटब, और बाथटब देख के हम इंडियन हो जाते हैं वाइल्ड वाइल्ड, क्योंकि वो सारी मेमोरी रिक्रिएट होने लग गई है। जो वो सारे सीन जो हमने म्यूट करके देखे हुए थे हमारे माइंड में उछले जा रहे हैं। हमें लगता है हम बाथटब में पानी भर के नहाएंगे, बट हम ये भूल जाते हैं बाथटब को भरने में लगता है आधा घंटा। राइट, प्रोवाइडेड आपको ये पता हो नाली कैसे बंद होनी है। जो यहाँ पे किसी को आइडिया नहीं है भाई साहब, किसी को एडियन बाल्टी मग्गे से नहा रहे होते हमने 5-4 पे जाके। तो मैं लेट गया ऐसे बिना कपड़ों के, तो चार बोतलें होती है, मैंने चारों डाल दी। अच्छा। मैंने कहा इतना दिमाग थोड़ी लगाना है, उनका काम है झाग लाना, अपन का काम था 8,000 देने, अपन ने दे दिया ना, उनका काम है झाग लाना, झाग नहीं आके दे रहे। अब होटल वालों को पता है एक बंदा आएगा जो वहां जाके बिना कपड़ों के लेट जाएगा और उसका बिल्कुल मन नहीं करेगा उठने का, तो उन्होंने वहां पे फोन दे रखा है, कहता कर ले जितनी खुजली हो रही है कर ले। तो मैंने फोन किया, मैं कहा भैया बिना कपड़ों के लेटा हुआ झाग आने दे, अच्छा नहीं लग रहा, इट्स नॉट विजिबली गुड, काइंडली हेल्प योर फेथफुली गुप्ता जी। उसने चार बोतलें और भेज दी, मैंने चार बोतलें और डाल दी। मैंने कहा 8 बोतलें डाल चुकी, अब तो झाग आनी चाहिए, फिर भी झाग नहीं आ रहे। मैंने कहा हो सकता है टेक्नोलॉजी एडवांस है, टर्बाइन चलाना पड़ता, मैं ऐसे ऐसे करे जा रहा हूँ फिर भी झाग नहीं आ रहे। मैंने कहा 8,000 दिए, झाग तो चाहिए। मैंने सर्विस बॉय को बुलाया, छोटू 10 रुपए ले दो डिटर्जेंट पाउडर लेके आ। झाग तो तुम्हारा बाप भी लाके देगा बेटा यहाँ पे। फिर बाथटब से मैंने एक पांव बाहर निकाला, राइट साइड में एक व्हाइट कलर का ओवरकोट होता है, नाड़े वाला, फ्रॉक वाला, क्या बोलते हैं, बाथरोब। बाथरोब जी, क्या उखाड़ लिया आप लोगों ने बाथरोब पहन के, क्या इतिहास गवाह है भारत के इतिहास में 2 लोगों ने बाथरोब पहना, एक प्रेम चोपड़ा साहब, दूसरा अमरीश पुरी साहब। अच्छा, लेकिन मैंने डॉन में देखा हुआ था अमिताभ सर बाथरोब पहन के स्विमिंग पूल के बाद जूस पी दे। मैंने कहा ये तो करना बनता है, 8,000 दिए, ये तो करना बनता है। तो मैं बाथरोब पहन के ब्रेकफास्ट करने चले गया। हाँ अर्चना जी सुनो, अब इसमें एक छोटा सा कैच था, अमिताभ सर है 6 फिट के, तो उनके बाथरोब आता था यहाँ तक। मैं हूँ 5 फिट 4 इंच का, उन्होंने वही बाथरोब रखा हुआ, ऐसे ऐसे करके जा रहा था मैं। बहुत अच्छे। और नॉर्मली आपने देखा है, नॉर्मली हम चाय पीते ब्रेकफास्ट करते 5-4 में, ऐसा नहीं होता, सबसे पहले वाटरमेलन जूस, फिर म्यूजली, फिर कॉर्नफ्लेक्स, फिर ब्रेड, फिर बटर, फिर ऑमलेट, फिर कहते हैं पेट तो भरने दा, छोले पूरी ले आ चाय के साथ। खाना स्वाद।
ठंडा दूध दे दे बताओ, ठंडा दूध इतने पैसे के बाद। तो मैं चाचा जी के रूम में गया, चाचा जी मेरे बाथरूम पहन के बैठे हुए, छाती के दो बाल यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। और तोलिए को देख के कहते हैं, तोलिए रखे थे वहां पे, कहते हैं अच्छे लग रहे हैं, अच्छे रख ले मतलब, ले चले ले चले। मैंने कहा रखोगे कैसे, कहता चादर की पोटली बना ले। अर्चना जी मैं बताऊं, चाचा जी को अब लत लग गई है तोलियों की, ठीक है। तो अब मैं जब भी कभी 5-4 होटल जाता हूँ, चाचा जी मेरे को 2 तोलिए दे देते जिनके बाल खत्म होने वाले हैं। मैं गया वो वाले तोलिए रखाया, नए वाले ले, 3 टावल शोरूम है हमारे गुप्ता टावल का, छोटा आदमी नहीं हूँ मैं, ठीक है। ऐसा मत समझना गरीबी में नहीं कर रहा हूँ मैं, ऐसा बहुत पैसा है मेरे पास भी, ठीक है। मैं बताऊं होटल में जाके हम बावले हो जाते, सब कुछ घर ले आते, चीनी के सैशे, कॉफी के सैशे, दूध तो कान खुजाने वाला, दांत मारने वाला, टिश्यू, मेरे चाचा जी सेट टॉप बॉक्स का कार्ड लिया भाई साहब। मैंने कहा सेट टॉप बॉक्स का कार्ड कौन लाता, कहता पूरा डब्बा ले हो गया, पागल हो गया, पूरा डब्बा ले हो गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Thank you. Apoor, very nice, very funny. Thank you so much. Indeed, really, extremely funny. Thank you so much. और ये observation मैंने कहा कि सब लोग करते हैं, होटल जाते हैं, ये सब हरकतें बहुत लोगों ने की हुई हैं, और कुछ है कि करते हैं बताते नहीं, आपने सब कुछ बता दिया, और बड़े चटकारे ले लेके आप बता रहे थे, I started seeing you without clothes. फिर मुझे झाग भी दिखने लगा। बहुत अच्छे यार अपूर्वा, तुमने सहारनपुर की नाक रख ली, बहुत बढ़िया तुमने किया। तुम्हारे जो बात को बयां करने का जो अंदाज है ना, वो बहुत ही कैजुअल है, और उसमें जो नॉटीनेस आपने बयां की है कि मतलब आप बता रहे हैं कि मैं टब में कैसा था, तो शेखर जी को मतलब ख्वाब आने लगे कि कैसे होंगे ये, ख्वाब नहीं दिख रहा था सामने। तो देखो मतलब यू पेंटेड अ पिक्चर। वैसे मतलब हमारे एरिया में तो बहुत खूबसूरत लड़कियां होती हैं, नॉर्थ में तो जो खास तौर से, तो आप तो नॉर्थ के ही हैं, तो आपको लड़कियां पसंद है, मतलब मैं पूछना चाहती हूं। नहीं मैम मेरे को लड़कियां पसंद है, लेकिन ना मेरे को वो लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं आती जो ना एकदम ऐसे ऐसे, वो लड़कियां मेरे को बिल्कुल पसंद, मेरे को आती हैं आपकी तरह जो एकदम दिल फाड़ के हंसती हैं, मतलब ऐसा हंसती हैं कि 4 मोहल्ले वाले घर के बाल वो लगा देते हैं, ओ स्त्री कर लाना। बहुत अच्छे भाई। अपना जन्मदिन कैसे मनाते हो आप? सर मैं मनाता ही नहीं हूँ, मैंने छोड़ ही दिया है, क्योंकि जब भी कभी जन्मदिन मनाओ, एक दोस्त होता है जो गंदी आवाज में बर बर दिन ऐसा ही होता है। अर्चना जी मेरे पापा का बर्थडे है तो ये गाना, चाचा का बर्थडे है तो ये गाना, मेरा बर्थडे है तो ये गाना, और मेरे को तो गिफ्ट का कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आता, क्योंकि मैंने रियलाइज कर लिया गिफ्ट का कॉन्सेप्ट तभी वैलिड है प्रोवाइडेड यू आर अ गर्ल। जैसे लड़की का बर्थडे होता है ना, चलो इस बार चॉकलेट ले चलते हैं, इस बार टेडी बियर ले चलते हैं, इस बार वाइन ले चलते हैं, इस बार कार ले चलते हैं। लड़कों के केस में एक हफ्ते पहले बोल दो भाई जरा केक ले आएगा, कुछ नहीं लाते। चाकू तक नहीं लेके जाते, कहते जा रहे ना एहसान करते भाई, जा रहे हैं उसके बर्थडे पे। और मैंने देखा है लड़कियां ना बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहती हैं बर्थडे के लिए, जैसा मेरा बर्थडे 28 तारीख को आता है, तो मेरी जो गर्लफ्रेंड है 28 डेज लेफ्ट, 27 डेज लेफ्ट, 26 डेज लेफ्ट, मैं कहा मिसाइल लॉन्च होने वाली है क्या। अरे बॉलीवुड में देख लो, बॉलीवुड में दिखाते हो आप अंधेरे कमरे में घुसते हो, सबके हाथ में वाइन का गिलास, नुकीले जूते, टाइट जींस, टाइट टी शर्ट, जैसी घुसते हो सरप्राइज। मैं ये कभी इमेजिन भी नहीं कर पा रहा, मेरे दोस्त इतने चालू हैं बर्थडे के एक हफ्ते बाद कॉल करेंगे, तेरा बर्थडे था पिछले हफ्ते, दारू कौन पिलाएगा तेरे पापा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। रजत का मतलब होता है चांदी, और जब चांदी सोने जैसे लाफ्टर बिखरेगा तो आपको सोना चांदी मिलेगा। Please welcome Rajat Chauhan from Delhi. Hello Shekhar ji, कैसे हैं आप? अच्छे हैं, आप कैसे? आप माइक क्यों उखाड़ा आपने?
बस सर मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ घट जाए, हैंडपम्प तो ना सही है सही। हेलो मिस बेगेंजा। मतलब ईमानदारी से ना, हमने कोशिश करी थी कि मैंने बहुत सारे स्कूल ट्राई करे कि कभी ऐसी टीचर मिले, पर कहीं नहीं मिली। क्या बोल रहे हो तुम राजा? यही बोल रहा हूँ मैं। I like your style. मैम लिटरली मतलब नॉस्टैल्जिया है मेरे लिए, पर बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के। थैंक यू राजा, थैंक यू। मैं शिखर जी, मैं हूँ दिल्ली से जी। और दिल्ली में बता रहा हूँ आपको, ये बहुत लोग बोलते हैं कि दिल्ली के बेकार लोग होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बता रहा हूँ बहुत प्यारे और बहुत कैजुअल लोग होते हैं। ऑफ कोर्स आप ये मानिए, अभी कोविड चल रहा था और मैं थोड़े दिनों पहले भी मॉल में गया था, तो वहाँ पे गार्ड के पास ना टेम्परेचर चेक करने की मशीन होती है, उसके पास नहीं थी, तो उसने चार उंगली मेरे माथे पे लगाई और कह रहा जाओ। बहुत अच्छे, इतने कैजुअल लोग हैं हम लोग, इतने कैजुअल आराम से। पर आप में से कोई है मिडिल क्लास? सभी सभी शेखर जी हर कोई मान लेता है, पर मैं लिटरली बताऊं, मैं आज एक छोटा सा टेस्ट लेके आया हूं, लिटमस टेस्ट कहते हैं उसको। मैं तीन चीजें पूछूंगा आपसे और अगर आपका हाथ उठ जाए, ताली बज जाए, तो मैं समझ जाऊंगा आप हैं। अच्छा तो शुरू करूं? हां बिल्कुल। पहला, अगर आप अभी अपने घर में जाएं और फ्रिज खोलें और उसके ऊपर के हिस्से में कटा हुआ नींबू रखा है, तो आप हैं बिल्कुल। उसमें से भी कुछ प्रॉपर मिडिल क्लास होते हैं जो उस कटे हुए नींबू की भी ना दो बूंद ड्रॉप करके उसे वापस फ्रिज में रख देते हैं। हां वो भी है कि मैं इसको फ्यूचर में यूज करूंगा। हाँ। तो आप पक्के हैं। और उसमें भी कुछ लोग होते हैं जो इसके बाद इस कटे हुए नींबू को भी ना बर्तनों पर रगड़ के, मुंह पर रगड़ने के बाद फेंकते हैं। मतलब नींबू भी कहता है भाई साहब मेरा इस्तेमाल नहीं, मतलब मेरा शोषण हो रहा है। हाँ। मतलब नींबू भी खुद बोल देता है कि मतलब अगले जन्म मुझे अंबानी घर कीजो। दूसरा, कहीं आप कहीं बाहर एक पानी की बोतल खरीदें और उसको पीने के बाद कूड़ेदान में फेंकने से पहले आपके अंदर से एक आवाज आए कि इसको घर ले चलते हैं। तो आप हैं। और तीसरा, जो कि मतलब पक्का करेगा कि आप हो या नहीं हो, कि अगर आप अपने घर में बोलो कि कुत्ता पालना है और सामने से रिएक्शन आए तुम्हें पाल तो रखा है, तो आप हैं। अर्चना जी, दिल से बता रहा हूँ, मैं बहुत शरारती बच्चा रहा हूँ बचपन से। इतना शरारती कि मैं कभी होमवर्क करके जाते नहीं था, तो टीचर हर बार मेरी नोटबुक में ना ऐसे क्वेश्चन मार्क बना के भेजती थी घर पे। अच्छा। तो मैं घर जाने से पहले उसको रेड पेन से प्रॉपर दिल बना देता था। मम्मी कहती थी ये क्या है, मैंने कहा आजकल ये एक्सीलेंट से ऊपर वाले बच्चों को दिया जाता है। अच्छा आइडिया, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट दिन टीचर देखती थी अरे ये दिल क्यों है, तो वो पूरे पेज को ऐसे काट देती थी। हाँ। तो मैं घर जाने से पहले उसके आगे एक एरो और नीचे तीन डंडियां बना देता था। मम्मी कहती ये क्या है। हाँ। मैं कहा वो टीचर पागल है मेरे प्यार में। मैं बताता हूँ कि इंडियन मॉम की खासियत होती है, बताता हूँ बड़े। हाँ। कि हमारे पेरेंट्स ना पिटाई नहीं करते, हमारी सुताई करते हैं। पिटाई और सुताई में फर्क क्या है शेखर जी? फर्क ये होता है, सुताई में क्या होता है कि माँ बाप बेड पे बेहोश पड़े होते हैं मारने के बाद हमें, और हम जमीन पे। और मैं बता दूं आपको, इंडियन मॉम पूरे ब्रह्मांड में ऐसी लौती माताएं हैं। हाँ। जो बच्चे को पीटने के साथ साथ फीडबैक मांगती हैं। लगा मजा आ रहा है, दर्द हो रहा है, और आपको फीडबैक देना पड़ता है, हाँ हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। क्योंकि जब तक मम्मियों को ना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता ना जॉब में, तब तक मजा नहीं आता। मैं लिटरली बता रहा हूँ, इतनी पिटाई खा चुका हूँ अर्चना जी कि मैं पीएचडी कर चुका हूँ पिटाई पे। अच्छा। और यहाँ पे जितने भी लोग बैठे ना ऑडियंस, मैं आपको आज ज्ञान दे रहा हूँ। हाँ। कि कभी भी पढ़ाई करना ना जिंदगी में, तो बेड पे बैठ के मत पढ़ना, चेयर टेबल लेके बैठो, बहुत बढ़िया है। हाँ। क्योंकि होता क्या ना मैम, कि देखो चेयर कुर्सी पर पढ़ रहे हो आपने। हाँ। गलती करी, मम्मी ने थप्पड़ मारा, लग जाएगा मैक्सिमम एक, या आप ऐसा कर जाओगे तो छिप जाएगा, बच जाएगा। पर बेड पे स्कोप नहीं होता, बेड पे मम्मी आपके ऊपर आ रही है, सुता सुता के मारती है। अब उनका मंगलसूत्र ऐसा लटकता हुआ दिख रहा है आपको। मेरी मम्मी के हाथ थोड़े शकरकंदी जैसे हैं। अच्छा। फिर जो वो ऊपर से कूदती है ना, तो नीचे अगर ट्रिपल एच है तो तीनों एच 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 अलग कर दे मेरी बात। बहुत अच्छे। आप ये मानिए, प्यारे बच्चे बहुत रहे हैं, इसके बाद मैं बताऊं आपको क्या प्रॉब्लम होती है, कि हम जब माँ के साथ इतना रहते हैं ना, अर्चना जी जब शादी के लिए लड़की ढूंढते हो ना, तो आपको वो ट्रेड चाहिए होते अपनी माँ के। हाँ, उस लड़की के अंदर। हाँ, हाँ।
अब इतना हो गया कि मैं मानो कि मैं एक लड़की से शादी के लिए मिला एक रेस्टोरेंट में, तो मैं उसके सामने खाना खा रहा था, तो मुझे वो सब्जी पसंद नहीं आई, तो मैंने वो सब्जी छोड़ दी। अच्छा। पर ये बात उस लड़की को समझ नहीं आई, कहती रजत चुपचाप पूरा खाओ। अच्छा। मैंने कहा मम्मी आप बहुत अच्छे, आप ये मानो वो प्लेट मैं सिंक में रख के आया हूँ रेस्टोरेंट की। मैंने कहा कि इसके लिए ताले ना मिले कि सिंक में रख के नहीं आया ये। एक बताऊं, हमारी मम्मियों को ना लड़कों से जिंदगी में सिर्फ दो काम पड़ते हैं, एक जाके ये बच्चा दूध ले आए। मम्मी मैं शिमला जा रहा हूं तो बेटा लौटते हुए ले आना। दूसरा, किसी भी रिलेटिव को मेट्रो स्टेशन, बस स्टैंड, शमशान घाट से लेकर आना। मतलब हमारा यही काम है। वो कहते ना कि यूथ कहाँ जा रहा है आजकल सब स्कूटी बैठा हुआ है। रिलेटिव को लेने गया वो जिंदगी में, वरना कोई वैल्यू नहीं हमारे। और पता अर्जुन जी रिलेटिव को भी तारीफ नहीं करते। रिलेटिव का ही होता है, बहन जी आपका बेटा कितनी तेज चलाता है स्कूटर। इसने स्पीड ब्रेकर पर तो इतना उछाल दिया था कि मेरी कबूतर से चुम्मी होते बची। बहुत अच्छे। और लटरी बता रहा हूं, अगर सच में आपको अपने घर में अपनी माँ को लूप पे सुनना है, लूप पे सुनना है, पे सुनना है, तो बस घर में एक बार चिल्ला के बोल दो बुआ जी अच्छी है। बहुत अच्छे, बुआ जी अच्छी है। और फिर बोलो खाना उसी और से जाके ले ले। मैं तो नहीं दे रही तो जिंदगी में। आप ये मानिए, मैं इतनी लड़कियों से मिल चुका हूँ ना, तो मुझे वो क्वालिटी माँ वाली चीज़ है। आप ये मानो, जैसे अर्शकर जी आपसे बोल लेता हूँ, वैसे मैं अभी आप काफी यंग हो, आपकी शादी होनी बाकी है मुझे पता है अभी। जी, 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 तो मैं पूछ सकता हूँ कि क्या चीज़ आपकी लड़की में क्वालिटी, अगर आपकी दोबारा शादी हो आज? खाना अच्छा बनाए। बहुत बढ़िया। और किसी का कुछ? सर अरुण जी, लड़की मिल जाए बस। अर्शकर जी आप देख रहे हो, मिनिमम रिक्वायरमेंट हमारी बस ये मिनिमम। बताइए इस लड़की को बैंक देंगे पीछे, जो बता पाएगी क्या क्वालिटी चाहिए लड़कियों को। लड़कों को बड़ी एक्साइटमेंट है। या प्लीज आप बताना चाहते हो, प्लीज टॉल हैंडसम। ओके अर्चना जी, आप देख रहे हो इन लड़कियों के पास एक लिस्ट है पूरी। हाँ, ये भी होना चाहिए, वो लविंग, केयरिंग, हैंडसम, लॉयल एंड प्लस 20 अदर क्वालिटीज। तो मैं उन सब लड़कियों को आज बता दूं कि एक ही पेड़ पे आम, शहतूत, चीकू, केले, संतरे, पपीते नहीं लगते। कुछ लोगों का फेवरेट प्लांट मनी प्लांट भी होता है। बहुत अच्छे, वाह। और मैं बताऊं, माँ के साथ रहते ना होता है प्रॉब्लम क्या है ना कि पापा की मैं इतनी बात नहीं कर रहा, आप समझ रहे हो। बताऊं, फादर ने खुद रिस्पेक्ट खुद कमाई नहीं है। हमारे पापा ना कभी भी कैरेक्टर में आते हैं। शिखर जी आप कैसे पापा हैं, मतलब घर जाके बच्चों को हक करते हैं ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं, हमारे हक वाला सिस्टम नहीं है बिल्कुल भी। हमारे होता है कि पापा हमेशा घर में आते ही कैरेक्टर में है। अच्छा अच्छा। कि कभी उनको पता कि अगर घर में वो हंस दिए तो बच्चे कहीं प्रॉपर्टी ना मांग ले। अर्चना जी एक बार मुझे 1000 रुपए चाहिए शिमला जाने के लिए, पिकनिक पे गए थे हम स्कूल से। तो इसके लिए पहले घर का माहौल सेट करते हैं, पहले आइडल टेम्परेचर देखते हैं कि अब ये माहौल सही है पैसे मांगने के लिए। तो मैं गया एकदम से, पापा आए पहले आराम से बैठे, मैंने उन्हें पानी दिया, चाय दी, खाना दिया, सब कुछ आराम से हुआ। कह रहे बेटा क्या चाहिए आपको? मैंने कहा वो पिकनिक ले जा रहे हैं हमें शिमला, 1000 रुपए चाहिए। कह रहे बेटा आपको ले तो गए थे अब जब 2 साल के थे। मैंने कहा तब मैं बहुत छोटा था। कह रहे शिमला भी उतना ही है। पर मैं आपको बताऊं, पापा इतने बुरे नहीं होते नहीं है। जैसे बताऊं धीरे धीरे आप समझ पाते हो दोनों के बीच में एक इक्वेशन होती है। जैसे शिखर जी बचपन में कहता था कि मम्मी कुछ पापा से बात करिए, जैसे रेंट कर रही है कि ये क्या कर रहे हो तुमने जिंदगी में, ये वो, और पापा आराम से शेव कर रहे हैं। तब ना अंदर से फीलिंग आती थी कितना खराब आदमी है ये, मेरी मम्मी की बात नहीं सुनता। शेखर जी अब मेरी शादी हो चुकी है। अब मैं कहता हूँ मेरे पापा सही इंसान था। एक तो सच में बताऊँ कि हमारी अपब्रिंगिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारी पेरेंटिंग की, मानते हो? सच्ची बताना शिखर जी, क्या आपके माँ बाप ने कभी आप लोगों को बोला है कि आप सुंदर दिखते हैं? नहीं। अर्चना जी, जब घर का मालिक ही खुद अथॉरिटी नहीं ले रहा तो समाज में कहां से मिलेगा, कहां से मिलेगा? शेखर जी आप ये मानिए, मुझे ये बात 11th क्लास में आकर एक लड़की ने बताई, वो भी रिसेस के बाद। क्या? अच्छा, रिसेस के लिए। अरे रजत तुम्हारे चेहरे पे डिंपल पड़ते हैं। मैंने कहा कहां? कहां? ये है हम लोग बच्चे यार लाइफ के अंदर। या दैट्स माय साइड, यू बीइंग अ लवली ऑडियंस गिव अ ग्रेट अप्लॉज। आप भी बहुत ही बढ़िया।
बहुत अच्छे बहुत अच्छे। यार रजत, तुमने जो ये नींबू की बात की कि भैया नींबू हम लोग आधा काट के, मुझे बताओ यहाँ पर कोई भी ऐसा है जिसने ये नहीं किया है? मैंने किया है ये। हम तो हर रोज करता हूं। ये मिडिल क्लास नहीं है, हम हिंदुस्तानियों की खासियत है। आप कैसे हिंदुस्तानी हो अगर आपने कोई चीज वेस्ट कर दी? अगर आप इतने मिनरल वाटर की बॉटल लेते हैं तो मजाल है मैं उसमें इतना पानी छोड़ दूं? नहीं, अगर पानी खरीदा है तो पूरा पियूंगी और बॉटल या फिर आधी बॉटल घर पे ले जाऊंगी, बिकॉज वेस्टेज गोज अगेंस्ट। तो ये हम सब हिंदुस्तानियों की खासियत है और ये आपकी कॉमेडी की खासियत है कि आपने मिडिल क्लास के बारे में बोला, बट देयर इज नथिंग मिडिल अबाउट योर कॉमेडी, इट्स ऑल राइट अप देयर। थैंक यू रजत, वेरी नाइस। दिल्ली वालों की बात, एक तो फ्लेवर बड़ा अच्छा होता है। ये बताओ कि दिल्ली और बंबई में क्या खास फर्क तुम्हें महसूस होता है? सर देखिए, दोनों अपनी जगह बहुत खूबसूरत है। ट्रांसपोर्ट यहाँ पे ट्रैवलिंग का बड़ा अलग तरीका है। हाँ। जैसे आप दिल्ली में आप जाओ ऐसे हाथ दो ऑटो वालों को, कोई रुकता नहीं है यहाँ पे। हाँ। मुंबई में आप अंगड़ाई भी ले लो तो चार तो ऑटो रुक ही जाते हैं। हाँ। बहुत अच्छे बात। वैसे दुनिया में बहुत बड़ी समस्याएं होती हैं, तो आपके हिसाब से कौन सी अच्छी कोई बड़ी समस्या जो आपको लगता हो कि ये है असली समस्या? मुझे लगता है कि जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ या कहीं भी रहता हूँ, मुझे लगता है कि आज के डेट में सबसे बड़ी समस्या है पार्किंग। पार्किंग आसान नहीं है सर। पार्किंग आजकल किसी कहते तो ना, आजकल लोग दूसरे के सक्सेस से इतने खुश नहीं होते या दुख नहीं होते जितना किसी को पार्किंग उसके घर के आगे मिल जाए। हाँ। उसको देख के बहुत जल्दी हो जाते हैं। मतलब आजकल आपके घर में रिलेटिव आते हैं ना, तो आप इसलिए नहीं परेशान होते कि क्या बनाना है, इसलिए लगता है कि इसकी गाड़ी कहाँ लगवानी है। सही है। पार्किंग दिक्कत है। आप ये मान लो कि हमारे मोहल्ले में सिक्योरिटी के नाम पे एक सीसीटीवी और चार औरतें हैं, वो पूरे दिन देख रहे थे कि कब कोई गाड़ी हटाए और हम अपनी लगा दें। अच्छा ये मानो अब पेड पार्किंग आ चुकी है, पैसे दो पार्किंग कर लो, पर क्योंकि हमने एक बार गाड़ी खरीदी तो फिर हम और पैसा नहीं खर्च करेंगे। तो अब ये मानो लोग क्या करते हैं, रोड पे कहीं पे भी देखते हैं पहले चार गाड़ी देखते हैं और कहते हैं अगर उठानी होगी तो पहले इसकी भी उठाई गई। तो अपनी साइड में लगा देते हैं उसके कि चार ले जाएगा। और उससे बड़े होता है कि कई बार कहते हैं लोग अपने बच्चे बैठा देते हैं गाड़ी में, बच्चे परिवार बैठा देते हैं कि फिर कोई उठाएगा नहीं। मतलब देख रहे हो कि परिवार का इस्तेमाल पेपर वेट की तरह किया जा रहा है। एक और समस्या चल रही है आजकल, वैसे तो एक तो उम्र बहुत छुपाते हैं लोग, बाग महिलाएं तो छुपाती हैं। अच्छा वो वेस्ट भी नहीं जाने देती, जितने साल वो छुपाती हैं उतने साल वो दूसरी महिला की उम्र में जोड़ देती हैं। ये उम्र को छुपाते हैं मेरे हिसाब से सर, एज छुपानी चाहिए। और सच्ची बताऊं, उम्र के कुछ पड़ाव है, अर्चना जी कभी गौर कीजिएगा, कुछ नंबर है हमारी एज के जिसपे ना हमें रुकने का बड़ा मन करता है। क्या? पहला है 16। अच्छा, आप 17 के 18 को 16 कहने का बड़ा आनंद आता है। फिर है 21, फिर है 25, और फिर आता है 29, जो कि आप रहते हो कम से कम 8-9 साल। अच्छा 29, बिल्कुल आप रहते हो 8-9 साल रहते हो आप, ताकि कोई पूछे ना कि आप 30 के नहीं हुए, नहीं वो 30 मेरे घर पे आया था बट मैं उस दिन अवेलेबल नहीं थी। फिर 39 पे रुक जाता है सर, उसके आगे हम बड़े नहीं, आप हमें से कोई भी नहीं बढ़ पा रहा उसके आगे, हम सब 30 के ही हैं। जरूरत भी नहीं। बहुत बढ़िया।